नोटबंदी और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, जिसके बचाव में प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्री तक सभी आए दिन सफाई पेश करते रहते हैं। लेकिन सरकार की नीतियों को सही ठहराते ठहराते केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नोटबंदी और जीएसटी को लेकर कुछ ऐसा कह गए जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंदौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीएसटी और नोटबंदी पर सरकार का बचाव कर रहे थे, लेकिन यहां सरकार के फैसलों का बचाव करते हुए उन्होंने भी माना कि जीएसटी और नोटबंदी दुखदायी है, जिसने शुरुआती दिनों में जनता को काफी परेशान किया। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आप कोई नया जूता लेते हो तो वह 3 दिन तक काटता ही है, लेकिन चौथे दिन पैर में फिट बैठ जाता है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में सरकार के फैसलों से जनता को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन इसके भविष्य में परिणाम अच्छे होंगे। वहीं उन्होंने इसके लिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बेवजह इस बात का हवा खड़ा किया जा रहा है कि देश में जीएसटी और नोटबंदी से नौकरियां घटी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष के जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताने वाले बयान को असभ्य करार दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल इस तरह के शब्दों के आदि हो चुके हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।